क्यों शर्माता है ये, सर पता नहीं क्या। एक फोन, एक काम करते हैं फोन चेंज करते हैं, फोन दिखा। रासिक ने यहाँ पे मौसमी और पाइनएप्पल का ठेला लगाया हुआ है, जिसको जूस पीना है उसको आके रासिक से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट ना। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मनीबुल इस्लाम, वेलकम बैक माय चैनल। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। और बाकी जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिछली वीडियो, तो वहां जाकर देखना, नहीं तो आई बटन में तो ऊपर आ ही जाएगी आपको वीडियो। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जम्मू के लिए। जम्मू के लिए जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो आगे जाके शादी आ रही है, शादी आने की वजह से भाई आगे पीछे देख लिया करो, तो शादी आ रही है तो उसके लिए भी जम्मू से जाके गाड़ी अपनी ठीक करवानी है, क्योंकि गाड़ी अगर ठीक नहीं रही तो फिर बारात के साथ हम जा नहीं सकेंगे। और दूसरा अपना भी पर्सनल थोड़ा सा काम है, उस काम के लिए भी जा रहे हैं हम। तो बाकी जो भाई सोच रहे हैं कि भाई इसमें घूमता रहता है, टाइम नहीं है भाई, तूने कैफे खोला है, वह भाई मतलब मुझे कोई और कोई नहीं, अपने लोग बोलते हैं, दूसरे कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं हम जम्मू के लिए। तो अभी पहुंचे हम करोल, करोल में उस लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे मेरे को ये इसका शीशा या बैक ग्लास जो है वो टूटा था, तो आपको दिखाई तो दे देंगे हम। वो आप सामने वो साइड ब्रिज देख रहे हो, वहाँ पे जो है, वहाँ पे मेरा जो साइड वाला, आपको वहीं जा रहे हैं हम, वहाँ जो है मेरा जो शीशा ग्लास बैक ग्लास टूटा था वहीं पे। तो अभी फिलहाल हमारे आगे जम्मू की बस चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। सो बस मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और लेट हो गया, मुझे इससे ज़्यादा जल्दी निकलना था एक्चुअली। इस टाइम 8:00 हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इससे पहले जल्दी जाना था, लेकिन अब जा नहीं सका, थोड़ा सा आज बारिश थी तो लेट उठा, उस वजह से क्या हुआ कि मतलब ये चीज़ होगी। तो मेरा शीशा ग्लास जो है यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, ये जैसे ऐसे ट्रक का टायर फटा था, और आज भी वही ट्रक का ऐसे ही ट्रक है, तो उसका टायर फटा था, तो वो चीज़ मेरे को नुकसान कर गई। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम जम्मू के लिए, से मिलेंगे रास्ते में आपसे, अच्छे से वार्तालाप करेंगे। और ये जो जाली है आप देख सकते हो कैसी लग रही है, तो ये बता देना आप मेरे को। चलो फिर चलते हैं, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ है, इस रोड पे ना, अरे जो क्रोल से आगे चंद्रकोट तक रोड है ना, इस रोड पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आता है भाई, अलग ही रोड है, मतलब साइड से आपको व्यू मिलेगा दरिया चिनाब का, और साइड से प्यारे प्यारे पेड़, और इस चीज़ का जो मज़ा है ना वो आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, रामन में मिलेगा। और रामन में आकर ड्राइव करो भाई इस रोड पे, तो आए है लोकेशन, आप साइड से देखो पहाड़ी पहाड़ सामने है, और बादल प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो आप देख रहे हो ओहो क्या नज़ारे दे रहे हैं यार। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं हम इस रोड पे, अच्छे खासे है भाई, ये देखो भाई स्पीड है। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं इस चनाब के व्यू के साथ, यहाँ पे व्यू आपको दिख नहीं रहा होगा, तो फिलहाल चलते हैं, तो मिलते हैं आपको रास्ते, इस प्यारे से प्यारी बातें, कुछ प्यारे से प्यारे नज़ारे आपको दिखाएंगे हम। तो जुड़े रहो हमारे साथ और गाड़ी का काम दिखाएंगे कि कैसे क्या हुआ। Two hours later. हम आज अपने पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं, कि बिल्कुल टंकी मेरी खाली हो चुकी थी, तो आज मैंने सोचा भरवा लेते हैं आज अच्छे से अपने इसको बीस्ट को। वैसे बीस्ट आज तो बीस्ट बिल्कुल टूटी फूटी है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, बीस्ट को अभी जो है ये टूट गई है, तो बाकी कुछ नहीं, अभी शीशे वगैरह जम्मू जा कर तो लगाना ही है, बाकी ये जो है नाम है थोड़े अच्छे से लिखाएंगे इस पर, ये जो अपना नाम, तो इस चीज़ को भी अब देखेंगे हम अच्छे से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उधमपुर के हाईवे क्रॉस कर दिया सारा, उधमपुर से पहले पीछे बारिश पड़ रही थी, तो बारिश वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था, इस साइड क्रॉस हो गए बारिश आई नहीं, आप देखोगे ना बारिश ही नहीं है, तो उस साइड अच्छी खासी बारिश पड़ रही थी। सुबह हमारे भी पड़ी थी 3 बजे, जैसे हमारे भी वहाँ पर बारिश पड़ी थी, तो वहाँ पर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पर बारिश थी, तो उसके बाद तो बारिश बंद हो गई वहाँ पर, तो उधमपुर में बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की बारिश, बड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ रही थी, बट हल्की हल्की ब्रेक ब्रेक बारिश को पड़ रही थी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, क्या बोलते हैं, टिकरी, टिकरी पहुंचने वाले हैं,
मौसम शुक्र है शुक्र है शुक्र है अल्लाह का कि मौसम इस बार अच्छा है। यहाँ पे गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वह नहीं तो जम्मू साइड बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, बहुत गंदा हालात हो जाता था हमारा, तो हम तो बहुत बुरे तरीके से पसीना पसीना हो जाते थे। चलो शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है, और पता नहीं अब जम्मू में गर्मी कैसी है, ह्यूमिडिटी हो या ना हो, क्योंकि ऐसे मौसम में भी जम्मू में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से भी परेशानी हो जाती है। तो अभी चलते हैं, हम आगे का सफर तय करते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो अभी फिलहाल मैंने जखैनी में थोड़ी सी चाय पी थी, तो फोन मेरा गाड़ी में रह गया, तो मुझे फिर मैंने यार छोड़ यार ब्लॉग क्या बनाना, चाय तो हम रोज पीते हैं। तो ठीक है भाई, तो चलते हैं अभी आगे के लिए, अगला सफर स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना सफर। सो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ प्यारे से व्लॉग में। तो तब तक के लिए कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो, तो बस इसी इंतजार में है हम। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हाय, जम्मू में आज मौसम बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। तो अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों मजेदार है। आप देखो बारिश पड़ रही है यहाँ पे, और बाहर से जो ठंडी, इधर से जो ठंडी हवा आ रही है ना, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त हवा आ रही है। और सुकून क्या मिल रहा है यहाँ पे इस ठंडी ठंडी हवाओं में, रामनवमी से ज्यादा गर्मी है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश इतनी पड़ती नहीं और गर्मी होती है बहुत ज्यादा। तो इस टाइम पे बज रहे हैं 11:30, 11:40, तो इस टाइम पे यहाँ पे उतनी गर्मी तो है नहीं। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम आगे जम्मू के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो पकड़ेंगे कहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो अभी आपको मैं दिखाऊंगा मैं किसके साथ हूँ। आपको जो शर्मीला बंदा है देखो, इधर 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 सर, ये हमेशा आपको पता है कितना शर्माता है ये। सो रासिक अभी यहाँ जम्मू में था, जम्मू में रासिक से अभी मिले हैं, तभी मुझे मैं पहुंचा गाड़ी के पास सुशील वाले वर्कशॉप का। यहाँ से मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ से मैं खरीदूंगा बैक ग्लास और यहाँ पे फिट कराएंगे। तो रासिक भी शर्माता बड़ा है पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे ग्लास वगैरह फिट कराते हैं, अभी खरीदते हैं ग्लास और फिट कराते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। सो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी से काम कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ, बस देखते रहो कैसे फिट करते हैं। सो गाइस, ये शीशा भी अभी निकाला हमने, तो ये शीशा भी दिया, यहाँ पे शीशे को भी पत्थर बजा था यहाँ पे, तो ये भी टूट गया था, तो इसको भी अभी जाके वहाँ से लाएंगे। अब ये भी लगाना है नया, शुक्र है कहीं अंदर वाला शीशा मिला, बाहर वाला सारा नहीं मिला है, मतलब अंदर वाला थोड़ा सस्ता मिलता है। तो फिलहाल अब ये भी जाके लाते हैं, तो लगाते हैं ये भी, चलो चलते हैं। तो फिलहाल अब भैया इस काम में लग चुके हैं, और यहाँ पे जो है ये मेरा बैक ग्लास जो है सारा तोड़ना है अभी, तो इसको तोड़ने का भी प्रोसेस करना है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो हमारे साथ अभी तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल अभी भैया ने जो है पूरे शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं, सारा कुछ तोड़ दिया है, सब कुछ फिनिश कर दिया। अब फिलहाल ये साइड से जो इनके अंदर जो क्ले लगी होती है, ग्लू इनकी होती है, वो लगी होती है, वो निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, और वो निकालते निकालते बहुत बुरी हालत होती है। भैया बोलते हैं बहुत बुरी हालत हो जाती है निकालते निकालते, कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं। तो अभी सारा कुछ निकाल दिया है, प्रोसेस अच्छे से निकाल दिया है, तो अभी क्या ही करते, भैया निकाल रहे हैं। तो आप फिलहाल ग्लास, इसके बाद ये साफ़ करने के बाद ग्लास लगाना है, फिर उसके बाद बोर के वेट करना, भी एक घंटे वेट करना होता है, 1.5 घंटे वेट करना होता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो फिलहाल अभी लगाते हैं ग्लास को। तो ऊपर ये जो है ये ग्लास पड़ा हुआ है ओरिजिनल वाला, तो ये लगाया है हमने, चलो फिलहाल फिट करते हैं फिर। रासिक ने यहाँ पर मौसमी और पाइनएप्पल का ठेला लगाया हुआ है, जिसको जूस पीना है उसको आके रासिक से कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा आपको। भाई साहब कितने रुपये? 50 रुपए मौसमी गाइस। अभी गाड़ी का काम आदि, अभी उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटा रुकने के लिए बोला है, और मेरा ये जो ये वाला ये यार है ना, जो ये वाला जो है आप जिसमें हमेशा देखते हो ना, ये पता नहीं क्यों शर्माता है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि मतलब क्यों शर्माता है, जो इसको जानता है वो बता दो कि क्यों शर्माता है ये, और पता नहीं क्यों। एक फ़ोन, एक काम करते हैं फ़ोन चेंज करते हैं, फ़ोन दिखा अपना। फ़ोन चेंज करें इसे, भाई अमीर बंदा है, इसके पास आईफोन है, मैंने बोला चलो चेंज करते हैं, हम एंड्रॉइड से यूज़ करते हैं।
कोई नहीं, तो मेरे साथ है, कोई टेंशन नहीं। तो बाकी कोई नहीं, अभी फिलहाल जब वापस आएंगे अभी कुछ खाना खाना जाएंगे, हम खाना खाएंगे भूख लगी है, तो वो खा के फिर उसके बाद हम दोबारा दिखाएंगे कि क्या क्या काम हो चुका है। अभी बोला 1.5 घंटे रुकने के लिए ताकि सूखे अच्छे से, तो उसके बाद सब कुछ होगा। सो गाइस वेलकम बैक। सो अभी हमारा शीशा वगैरह आप मेरे बैग से देख रहे हो, जो मेरे बैग से आप देख रहे हो, ये जो शीशा लगा हुआ है लगा दिया है, और ये जो राइट वाला शीशा है यार ये भी लगा दिया है, और साथ में मैंने वाइपर भी लगाया हुआ है सामने, नया वाइपर लगाया, उससे कुछ स्क्रैच आते थे। तो अभी ये सुशील एंटरप्राइजेस जो है नारवाल में है, इससे लिया है, ये थोड़ा सा होलसेल मार्केटिंग भी देता है कुछ चीज़ें। तो फिलहाल अभी बने रहिए हमारे से, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी इसको देखो ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या, ये माइक लेकर बैठा हुआ है, इसको ये ऐसे लगा दिए इसने। तो गाइज फाइनली जो है मेरा शीशा वगैरह लग गया है, ये जो बैकग्राउंड का जो सारा शीशा है ये लग चुका है, तो आप देख सकते हो इसको, बाकी कुछ नहीं है। जो आपको मैंने पिछले लेट ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो उस टाइम पे ना फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, तो उस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा था। तो अपने घर पहुँच चुका हूँ, घर आके मैंने को फ़ोन को थोड़ा सा अपडेट किया वाईफाई पे अपने, तो वाईफाई पे अपडेट करने के बाद ये जो ये शीशा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अपनी गली में मैं इस टाइम हूँ, सो अपनी गली में आके मैं अपने कैफ़े के बाहर हूँ, कैफ़े के बाहर आके आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब शीशा वगैरह जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, फिट हो चुका है। एक्चुअली जो 12 घंटे हमने वेट करना था इसका एक दिन का, तो वो वेट करने के बाद जो ये शीशा वगैरह है वो लग चुका है। तो फिलहाल अभी ये चीज़ है कि अगर बाकी जो है वीडियो में कोई भी अगर ऐसा कुछ ओवरग्रीच हो गई, कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि कुछ बुरा लगा होगा, उसे माफ़ कर देना। बाकी वीडियो को जाके लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। तो घर जाके जो है ये मैंने बताया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hybrid.